अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको आलू के पराठे की रेसिपी बताने वाली हूँ। मैंने ये पराठा सिर्फ तीन चीज़ों से बनाया है, और जिसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे आटा गूंद लिया है। जैसे नॉर्मली आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे मैंने आटे का डो बना लिया है। मैंने यहाँ पे 6 आलू लिया है और उसको उबाल लिया है और ठंडा कर लिया है, मतलब ये हल्का गर्म है क्योंकि इसको बहुत अच्छी तरीके से मैश करना है। उसके बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन का। हरी मिर्च मैंने 3 से 4 लिया था और 10 लहसुन की कलियाँ ली हूँ, उसको मिक्सर में पीस लिया है। फिर इसमें हरी धनिया डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा रखेंगे इसलिए क्योंकि मैं आटे में नमक नहीं डाल रही हूँ, तो अगर इसमें एकदम बराबर का नमक रखेंगे तो कम हो जाएगा नमक आटे में भरने के बाद। तो अगर आप आटे में नमक थोड़ा डालिएगा तो इसमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए मैंने मैश करके हाथ से ही मैंने इसको मैश किया है। अब ये एकदम रेडी कर लिया है अपना फिलिंग। और मैंने यहाँ पे 6 लोइयाँ बना ली हैं आटे की। आपको जितना बनाना हो आप उतना बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 6 लोई बनाई हूँ। अब उसमें से 1 लोई लेंगे, उसको इस तरीके से करेंगे, मतलब फैलाएंगे ताकि इसमें फिलिंग भर सकें। आप जैसे करते हैं वैसा कर सकते हैं। आप इसको चिपकाने के लिए ऑयल भी ले सकते हैं और आटा भी ले सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप वैसा ले सकते हैं। और हाँ, फिलिंग इसमें ज्यादा नहीं भरिएगा क्योंकि अगर ज्यादा भरेंगे तो पराठा बेलते वक्त फट जाएगा, इसलिए मीडियम ही रखिएगा। एकदम कम भी नहीं भरिएगा वरना इसका फ्लेवर तब भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए एक पराठा मेरा, मतलब पराठा बनने के लिए रेडी हो गया है। एक पराठे की लोई रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से सारे लोइयों को तैयार कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लोई तैयार कर ली है। अब इसको चलिए बेलते हैं। मैंने उसमें से 1 लोई ली, देखिए उसको इस तरीके से हाथ से बड़ा कर लेना है। और उसके बाद इस तरीके से बेल लेंगे। अगर आप पहले हाथ से इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो इसमें फटने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये भी देखिए एक पराठा मेरा तलने के लिए रेडी हो गया। इसी तरीके से सारे पराठे को हमें बेल लेना है। अब मैंने ये तवा देखिए गैस पे रख दिया था, ये गर्म हो गया है, तो इस पे पराठा डालेंगे। मीडियम फ्लेम मैंने रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसे फ्राई करूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको कुछ सेकंड बाद पलटेंगे, फिर इस पे आप जो चाहे वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ, आप घी भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। एक साइड जब ये आप तेल लगा लीजिएगा तो दूसरे साइड भी पलट के ऐसे ही तेल लगा के इसको गोल्डन, जब दोनों तरफ तक, जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन नहीं हो जाएगा तब तक इसको ऐसे ही फ्राई करना है हमें, मतलब सेकना है। तो ये देखिए गोल्डन एकदम अच्छा हो गया है, बहुत ही अच्छा लुक इसका माशाल्लाह आ रहा है। तो ऐसे ही इसको पलट के हमें गोल्डन फ्राई करना है। चलिए देख लेते हैं दूसरे साइड से हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरे साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, तो मतलब मेरा पराठा रेडी है। इसी तरीके से हमें सारे पराठे को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा डिलीशियस पराठा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।